ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री योगेश्वरी भवानी, जय योग माया, जय योग माता, जय हो महामाया, जय महाकाली। ओम नमः शिवाय। आज हम सारे जगत की पूज्या अधिष्ठात्री देवी, पांडवों की और तोमर राजवंश की कुल देवी योग माया, जिन्हें योग माता भी कहते हैं, योगेश्वरी भी कहते हैं, आज उनके संबंध में जो ग्रंथों में, शास्त्रों में उल्लेख आए या जो विवरण दिए गए हैं, उस संबंध में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम तोमर राजवंश की या पांडवों की ये जो कुल देवी हैं, भगवान श्री कृष्ण के एक आदेश से, वरदान से इन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में पूज्या, पूजी जाने वाली होने का वरदान या आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनकी पूजा समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में की जाती है, मान्य है और तीनों लोकों में वे पूज्य हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां योगेश्वरी, जय मां योग माया, जय मां योग माता। आज हम महामाया योगेश्वरी, इस सृष्टि की अधीश्वरी, जो कि सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व, सृष्टि के वक्त तथा सृष्टि के संहार के पश्चात भी मात्र शेष रहती है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है या जब कुछ भी नहीं होता है, समस्त धरा, भूमंडल, ब्रह्मांड समस्त नष्ट हो जाते हैं, तब केवल मात्र और केवल मात्र माँ योगेश्वरी शेष रहती है, माँ योग निद्रा शेष रहती है, माँ योग माया, योग माता शेष रहती है। तोमर राजवंश की कुलदेवी है, पांडवों की कुलदेवी है, भारत की कुलदेवी है, इस ब्रह्मांड की कुलदेवी है। हम इन्हीं माँ योगेश्वरी पर यह फिल्म पुलिस कैसे आई, वहां पुलिस पहुंची कैसे, इसका मतलब है तन्नो भाई पुलिस के साथ मिली हुई है और वो पुलिस की मुखबिर है। तन्नो भाई को उसके कोठे से उठाकर हमारे सामने पेश करो। मौत तो मेरी आरजू है ठाकुर। तेरी आरजू पूरी कर देंगे और इस एहसान के बदले मैं तेरी लंबी जिंदगी के लिए दुआ करूंगी। ठाकुर, इनसे क्या गोली चलाते हो, गोली चलानी है खुद चलाओ, मरने में मजा तो आए। भैरव सिंह, उफ क्या कर रहे हैं, गजब ढा रहे हैं, गजब ढा रहे हैं। मेरी अंधी माँ को यहाँ बुलाया जाए ताकि कत्ल के बाद मेरी लाश उनके हवाले कर दी जाए। जल्दी से नहा लो। अरे सभी ने पीठ फेरी, एक लड़की नहाएगी, पानी भी भीगेगी, तुम लोग चोरी छिपे नहीं देखोगे। ये काम शरीफ करते हैं, हम डाकू हैं।
अगर तुम मर्द हो, तुमने अपने माँ का दूध पिया हो, तो कर दो ठाकुर को खबर कि उसकी पकड़ तुम्हारे कब्जे में है। दिलावर सिंह, बस भाग जाओ तुम। जरा घूमो तो, बच्चे खिलाड़ियों के साथ चाल चलता है। चल जरा पीछे थोड़ा सा। माँ, मैं याद है आज से बहुत बरस पहले तुम्हारे घर के अंधे कुएं में एक छोटे से लड़के को कैद करके रखा गया था। हाँ हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? वो लड़का मैं ही हूँ। इसे पूरा यकीन है सर कि मैं लखनऊ का कोई बिगड़ा हुआ नवाब हूँ। नवाबा, इस छोटी सी जान को किसी और अच्छे काम के लिए उठा दो। ठाकुर बदन सिंह के रास्ते में आने का अंजाम सिर्फ मौत होता है। यहाँ से चले जाओ। एक बार कदम बढ़ाकर पीछे हटाना, अपनी शान की तौहीन समझता है ठाकुर रिपु दमन सिंह, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अपनी किस्मत खराब थी। हाँ, तुम्हारी किस्मत खराब थी, लेकिन सर एक खास मोहरा डाकू बदन सिंह का अपने हाथों है। डाकू बदन सिंह जिस लड़के से मोहब्बत करता है, वो लुच्चा मोहब्बत भी करता है। सर, उस लड़के को मैंने अंदर डाल दिया है। अंदर डाल दिया है। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन डाकू बदन सिंह उस लड़के से मिलने यहाँ जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर, इस मौके पर अगर कर रहे हैं, इससे पूर्व हम फिल्म की इंट्रोडक्टरी का पार्ट जारी कर चुके हैं। फिल्म योगेश्वरी का पहला भाग भी जारी हो चुका है, प्रसारित हो चुका है, आप देख चुके होंगे। तो योगेश्वरी के प्रथम भाग की शुरुआत हमने 120 स्थल से की, शिव मंदिर से की। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा स्थापित अर्जुन की ननसार कुंतलपुर यानी कुतवार मुरैना मध्य प्रदेश में बेस किया है, उस हम भव्य मंदिर को हमने आपको दिखाया, उसका पूरा वीडियो दिखाया, पुजारी जी का इंटरव्यू, मैंने जी का इंटरव्यू उसमें सुनवाया और उस मंदिर का पूरा परिचय दिया, माँ योगेश्वरी के बारे में विवरण दिया। इंट्रोडक्टरी में भी आप माँ योगेश्वरी के बारे में एक छोटी झलक दी। माँ योगेश्वरी योग निद्रा, योग माया या योग माता, इनका मुख्य मंदिर इंद्रप्रस्थ के किले में योगिनी पुरम में बना हुआ है। इंद्रप्रस्थ के किले में स्थित है, पांडव द्वारा बनाया गया है। तो तोमर राजवंश के जो कुलदेवी हैं वो योगेश्वरी हैं, योग माया है, योग माता है। यही उल्लेख ग्रंथों में, शास्त्रों में और तोमर राजवंश की वंशावली में शुरुआत से ही दिया गया है। ये सारे जगत की अधिष्ठात्री है, अधीश्वरी है, भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण की, इंद्र की बहन है, लेकिन ये उन पर नियंत्रण रखती है। लेकिन प्रभु की इच्छा अनुसार, यानी विष्णु की इच्छा अनुसार और आज्ञा अनुसार ही कार्य करती है। लेकिन उन्हें भी ये योग निद्रा में डालकर अचेत
कर देती है, महालक्ष्मी को चेक कर देती है, रोज कर देती है। तो इनका अनेक रूप अनेक नाम, माँ महाकाली कामाख्या इन्हीं देवी के नाम है, चामुंडा इन्हीं का नाम है, कौशिकी इन्हीं का नाम है, जो बावन शक्तिपीठ है ये इन्हीं के नाम है। किस प्रकार से ये कैसे कैसे स्वरूप बदलती है, कैसे कैसे मनुष्य की बुद्धि को भ्रम में डालती है और कैसे कैसे अपनी लीला और माया दिखाती है, ये सब इस फिल्म में आगे आता जाएगा, आप देखते जाएंगे। गुरु बहुत चित्र विवरण है, बहुत बृहद विवरण है योगेश्वरी का, जो कि हम फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इस भाग की शुरुआत, फिल्म के तीसरे भाग की शुरुआत भी हम शुभ ही कर रहे हैं। मैं पांडव अर्जुन का वंशज और इस संपूर्ण धरा के एकमात्र स्वामी भारत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर, दिल्ली पत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी नरेंद्र सिंह तोमर आनंद अपने स्वर में यहां उच्चारण कर रहा हूं और इस व्याख्यान को प्रस्तुत कर रहा हूं। इस फिल्म को मेरी आवाज में जा रही है, ये मेरा सौभाग्य है। ये अर्जुन की आवाज है, ये वह आवाज है जो महाभारत के मैदान में गूंजी, ये वह स्वर है जिसने महाभारत पर 5500 वर्ष तक एक चक्र इस पूरे भू धरा मंडल पर साम्राज्य किया। ये वह स्वर है, अर्जुन का स्वर है। उसी स्वर में ये उच्चारण में यह फिल्म प्रस्तुत हो रही है, हमारी कुलदेवी की, तोमर राजवंश की कुलदेवी है। एक चीज और, एक भ्रम हम दूर करना चाहेंगे, तोमर राजवंश की कुलदेवी योगेश्वरी योगमाया योगमाता है, पंचावली में भी ये उल्लेख है और ग्रंथ साक्षा में भी है। और दूसरा, माँ चिल्लासन या चिलाय माता का उल्लेख आता है। अब इनमें फर्क क्या है, इस फर्क को आप जाने समझे। माँ योगेश्वरी योग माता योग वाणी ने, योग निद्रा ने जब जब तोमर राजवंश की कुलदेवी के रूप में महाभारत के युद्ध के पश्चात में रक्षा की, मदद की और ये सदा तोमरों के सिर पर सवार रहती। जो भी असल तोमर क्षत्रिय राजपूत राजवंश के लोग हैं, राज परिवार के लोग, उनके सिर पर सदा योगेश्वरी भवानी का हाथ रहेगा और उनके ऊपर सवारी करती। तोमर राजवंश का जो कुल पक्षी है वो गरुड़ है, भगवान श्री हरि विष्णु की सवारी गरुड़ है, तोमर राजवंश का राज पक्षी। और माँ योगेश्वरी ने तोमर राजवंश की महाभारत के युद्ध के पश्चात में जब जब रक्षा और मदद की, तो चील पक्षी पर सवार होकर आई। चील पक्षी पर सवार होकर के उन्होंने तोमरों की मदद, इसलिए चील का आसन बनाने के कारण, चील पक्षी को आसन बनाने के कारण इनको चिल्लासन कहा गया, यानी चील का आसन, चिल्लासन। उसी के अनुसार इनको चिलाय माता कहा जाता है, चिल्लासन माता कहा जाता है। तो जो वंशावली में उल्लेख है वो इस प्रकार से है, कुलदेवी योगेश्वरी योग माता योग माया और इष्ट देवी चिल्लासन चिलाय माता। तो कुलदेवी के रूप में हमारा जो आराधना अनुष्ठान उपासना अर्चना साधना जो भी किया जाएगा वो योगेश्वरी के रूप में होगा, और इष्ट देवी के रूप में जब उल्लेख किया जाता है तो माता चिलाय चिल्लासन भवानी करती है। तो
तो कुल देवी और इष्ट देवी, ये दोनों में थोड़ा अंतर है फर्क। तो हमें कुल देवी के रूप में योगेश्वरी और इष्ट देवी के रूप में चिल्लाकन या चिलायमा। जब महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर तोमरों के पास में पांच दुर्लभ वस्तुएं थी, जिनमें वह हीरा भी था जिसका नाम मदनायक था, जिसका नाम बाबर ने रोशनी का पर्वत यानी कि कोहिनूर लिखा बाबर नामा और उल्लेख, तो वो जो कोहिनूर हीरा आया यानी कि तोमर राजवंश का मदनायक किया, वो अभी दिल्ली में छूट गया था। जब महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर दिल्ली छोड़ करके आए ऐसा घड़ी में तो कुछ चीजें वहां छूट गई, तो माँ ऐसा घड़ी में माँ भगेश्वरी का, माँ भगेश्वरी का एक मंदिर जो बनवाया जिसमें माँ योगेश्वरी की स्थापना महाराजा नंगापाल सिंह को बने की, ठीक उस मंदिर के पीछे एक विशाल वृक्ष था जिसमें फूल का एक मौसला। तो महाराजा नंगापाल सिंह तोमर जो पांच दुर्लभ वस्तुएं दिल्ली में भूल आए या छोड़ आए थे, उनको चील पक्षी ने अपने घोंसले में लाकर, तो जो उन वस्तुओं में जो सामग्री रखने वाली जो डिब्बियां थी, लाल कपड़ों में लाल मखमल में जो की जो लपेटी हुई, जो लाल मखमल में थी वो लाल में यानी जो हरे मखमल में थी वो हरे मखमल जैसे के तैसे ज्यों का त्यों ला करके चील के घोंसले में ला करके वहां पर उन्होंने उस वृक्ष पर रखी। और उसके बाद महाराजा नंगापाल सिंह तोमर को रात को स्वप्न दिया माँ योगेश्वरी ने, जब पूजा पाठ से निवृत्त होकर के अपने राज महल में ऐसा घड़ी में पहुंचे घड़ी में, तो रात को स्वप्न आए तुम्हारी सारी चीजें माँ योगेश्वरी के ऊपर जो विशाल वृक्ष लगा है जिसमें चील का घोंसला है, माँ योगेश्वरी चील पर सवार होकर उसे ले आई। तो जब सुबह महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर ने उस वृक्ष पर देखा तो सारी चीजें सुरक्षित मिली, पांच चीजें दुर्लभ जो थी वो जहां की तहां जो थी जो सुरक्षित जैसी की तैसी मिली। तब से माँ योगेश्वरी की सवारी को चील पक्षी माना गया और पूजा गया, और उनकी सवारी को चील पक्षी को भी साथ में पूजा जाने लगा। तो माँ योगेश्वरी की सवारी को चील पक्षी मान के उन्हीं को चिल्लासन देवी यानी चील का आसन लगाने वाली देवी योगेश्वरी हो गई और उन्हीं को चिलाय माता कहा गया। और चिलाय माता कहने के पीछे एक रहस्य इसमें और भी है जो कि हम पिछली फिल्म में बता चुके हैं, हर सिद्धि मंदिर में जो धूमावती देवी जी का मंदिर है जिन्हें भूखी माई कहते हैं जो चिल्लाती रहती है, उनको भी चिलाय माता कहा जाता है। और जो चिलाय माता है उनका भी नाम जो है भूखी माई का नाम भी चिलाय माता है, जो अपने पति को मार के खा गई थी, भूख लगी भूख ज्यादा लगी उनको तो अपने पति को भी मार के खाए, विधवा देश में रहती धूमावती माता का जिक्र किया था, उनको भी चिलाय माता कहा जाता है। ये माँ अनेक रूप धारण करती है, दसों महाविद्या के स्वरूप में रहती, दसों महाविद्या इनमें विराजमान है, बावन और शक्तिपीठ इनमें, इसलिए योगेश्वरी ही मूल है, तो इसलिए योगेश्वरी ही कुलदेवी है और उन्हीं के जो है